राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब पांच कार्य ऐसे कौन से हैं जो आप यदि प्रातःकालीन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति समृद्धि और मां लक्ष्मी की, मां अन्नपूर्णा की असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहला काम, हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठता है उसका दिन वैसे ही तरोताजा रहता है, उसके शरीर में वैसे ही स्फूर्ति रहती है, उसके अंदर एक प्रकार की वैसे ही ऊर्जा रहती है। तो सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त जो है प्रातःकाल 4:24 से प्रारंभ होता है। कुछ लोग 3:30 से भी बताते हैं, इस सब भ्रांतियों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन यह है कि 4 से लेकर के सूर्य उदय के पूर्व तक इस बीच में आप कभी भी सो करके उठें। एक नियम बना लें कि नियमित आप 5 उठेंगे या 5:30 उठेंगे या 6 उठेंगे, यानी सूर्य उदय के पहले आपको सो करके उठना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएगी। इसके पश्चात दूसरा काम आपको करना चाहिए, बिस्तर पर जैसे ही आप बिस्तर का त्याग करते हैं तो बिस्तर पर बैठे बैठे आपको पहले 5 गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। और गायत्री मंत्र बोलने के पश्चात में तीसरा काम आपको करना चाहिए, धरती माता के प्रति आपको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। धरती माता के आपको दाहिने हाथ से पहले चरण स्पर्श करें और उसके पश्चात फिर अपने पैर को उसके ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है वो पंच तत्व का ही बना हुआ है, पृथ्वी का बना हुआ है, इसी मिट्टी का बना हुआ है, तो उसके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता जाहिर करना चाहिए। यह हुआ तीसरा काम। चौथा कार्य, अपने बड़े बुजुर्गों का और गुरु का उठने के पश्चात स्नान आदि करने के पश्चात उनका आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, गुरु का आशीर्वाद लेता है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि जब भी आप बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे तो उनके हृदय से आपके लिए शुभ विचार ही निकलते, कभी कुविचार नहीं निकलते। माता पिता कभी आपके लिए गलत दुआएं नहीं दे सकते, माता कभी कुमाता नहीं होती है। हाँ, यदि आपके घर में माता पिता नहीं रहते हैं, आप से उनसे दूर रहते हैं, या दुर्भाग्यवश माता पिता आपके इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनके तस्वीर के समक्ष जाकर के उनको प्रणाम आपको करना चाहिए, यानी प्रणाम करने की जो है आपकी आदत होना चाहिए। गुरु आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, गुरु का आपके पास यदि चित्र है तो गुरु को प्रणाम आपको करना चाहिए, ये आपको नित्य करना चाहिए। इसके बाद में 5 और आखिरी काम आपको ये करना चाहिए कि नित्य कम से कम 1 आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो यदि आप नित्य 1 कम से कम 1 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आती है तो वो दूर होते हुए चली जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। तो यदि ये आप 5 करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का वास रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। और पहले के जो 5 जो हमने बताए वो यदि आप गलती से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में दरिद्रता का वास होगा, आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो उन 5 को त्यागें और इन 5 को आप अपने जीवन में धारण करें। तो ये बहुत बड़े सूत्र आज हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। जो भी
हमारे वीडियो को सुनते हैं और जो भी चीज़ें हम उनको बताते हैं और जिन जिन लोगों ने हमारी बातों को मान करके अपने जीवन अपनाया है, उन लोगों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आए हैं। तो इन 5 सूत्रों को आप अपनाएं और 5 चीज़ों को आप छोड़ दें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आएंगे। मित्रों, यदि आप लोगों के हमारे विचार आप लोगों को अच्छे लगते हैं और आप हमारे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं और आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि आपको इस चैनल से बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। मित्रों, नमस्कार।